हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंडियन आर्मी मदर वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी मदर का एक वीडियो, जिसमें दो माएँ हैं जिनके शायद शहीद हुए बेटे या फिर जिनके बेटे आर्मी में हैं, उनकी तरफ से कुछ वीडियो है। तो उनकी ज़ुबानी कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज हम सुनेंगे इसमें, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है, किस लिए मारे गए जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई? क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं। नहीं जाते। अच्छा, ऐसा भी था वहाँ पर, ट्रेनिंग पूरी नहीं है। आप बताइए सरकार क्यों 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 लोग आर्मी में जाएंगे? बहुत बड़ी बात है, आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट करते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर, एक भी नहीं कहता हम आर्मी में जाएंगे। लेकिन हमारी साइड से बहुत सारे लोग जाते हैं गांवों से, ज्यादातर लोग आर्मी आर्मी वो मतलब मेरे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, इफ्तारी के लिए बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबॉडी। मुझे कहते माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत हो? वो और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली, मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग, हमें शऊर नहीं था। ही न्यू एवरी थिंग व्हाट वॉज कमिंग इन हिज लाइफ। फिर अपने अबू को कहते अंदाजा होगा किस जगह जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। चेकबुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहते हैं दिस इज 1 लाख रुपी मेरे खून पसीने की कमाई है, पहले ही सारे इंतजाम कर गए होगा। आई वांट कि मैं अगर नहीं रहूंगा ना वापस नहीं आऊंगा, ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए। वाह। एंड ही गिव दैट चेक टू माय डॉटर। ये कितने दिन पहले की बात बता रही है? 15 डेज, 15 दिन पहले। वो जुमातुल विदा था, उसके बाद 26 रमजान थी जिस दिन ही चला गया घर से खुदा हाफिज करके हमें, और 27 वाले दिन शहीद हो गए। उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी, फोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय दैट टाइम ही बेटा तुम ए ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, ए ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन। क्या बात, वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की। एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड माँ मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ पे ना आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में। मैंने कहा व्हाट डिड यू सी? कहते ऐसे मैं मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाई टर्न ड्यूटी होती है, कहते रात को कहीं 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठे अभी आपका आपकी ड्यूटी है तो ज़रा बाहर जा के ड्यूटी दें। कहते हैं माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ़ में रखी है डाली है एंड मैंने घुमाया नज़रें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिविटी। जी जी, ही एट दैट टाइम ही वाज ऑन दैट पोस्ट व्हिच इज़ कॉल्ड लबैक वेयर गॉड इज़ 0 meter। ओ माय गॉड, 0। हमेशा कहता था माँ मुझे यूँ लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूँगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाईएस्ट ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहते मैंने वहाँ पे ख्वाब दे, कहते माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कहते मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे इतनी खूबसूरत सियाचिन की पहाड़ों से आवाज़ आई अजान की, कहते जैसे खाना काबा की अजान होती है वहाँ पे की अजान। कहते माँ आप सोच नहीं सकती हो कि मैंने इधर देखा उधर देखा ये कहाँ से आवाज़ आ रही। कहते मैंने कहा शायद मेरे शऊर में है, और कहते अपने आप से ही मैंने कहा मक्सी तजद का टाइम है, अब तेरे पे लाजम हो गया तहज्जुद पढ़। और वहाँ से तहज्जुद पढ़ी बाहर? तहज्जुद पढ़ी, और कहते हैं जैसे ही मैंने नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह अकबर सलाम फेरा, कहते हैं माँ मेरा अल्लाह जानता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2,500-3,000 सफ़ों का मर्द देखे, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ और उनके सफ़ेद लिबास, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी, जैसे मैंने अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम कहा उन्होंने भी कहा अस्सलाम वालेकुम। कितना कुछ देखने लगे वो उस वक्त पे। माँ मुझे खड़े खड़े मैंने कहा ये ख्वाब है? कहते मैंने अपनी जोर से अपने आप को काटा और फिर कहते मैंने कहा नहीं ख्वाब नहीं तो हकीकत देख रहा हूँ, और कहते फिर मैंने अपने आप को फील किया और मुझे 104 से कम बुखार नहीं था। आई केम इनसाइड द इग्लू और मैंने आके अपने जवान से कहा
चाय बनाओ जल्दी करो। कहता साहब 2 मिनट भी आपने ड्यूटी नहीं दिया और आप अंदर आ गए, ये तो कोई बात ना हुई। कहता है देखो समंदर खान, उसका सरजमीन उसके बैटमैन का नाम था, कहता है सरजमीन तुम हमेशा मुझे कसीदे सुनाते हो, कभी तुम्हें वहाँ एक दाढ़ी वाला नज़र आया, कभी तुम बर्फ क्रैविस में गिरने लगे थे तो तुम्हें किसी ने हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो आज मुझे जो तुम सुनाओगे ना मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं अच्छा, उड़ाऊंगा, फिर सीरियसली सुनने के लिए तैयार। वो कहता है साहब जी आप ये हमको बताओ कि आपने क्या देखा आज जो आज हमारी बातों को सच मान रहे हो। आपका दिल चाहता था वो कभी आपको झंडे वाली गाड़ी में लेके जाए, बहुत ज़्यादा। और ये भी उसने मुझे ये अल्फाज मुझे ये कहे, मैंने उसको कहते माँ तबूत आ जाएगा तो फिर, मैंने कहा बेटा, कहते माँ आप किसके अलावा क्या ख्वाहिश है, मैंने कहा बेटा मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे झंडे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया, आई वॉन्ट कि यू बिकम अ जर्नल एंड आई सिट इन योर कार। तो इतने लाशौरी से शाइस्ता बेटा उसने यूँ कॉलर ऊपर करके कहते माँ सोच को थोड़ा और ऊँचा कर लो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सोच को ऊँचा, जर्नल की गाड़ी से ऊँचा क्या होगा। सही बात। तो मुझे कहते माँ तेरे आगे मैं झंडा सिर नगू कर दूँ। कहते हैं ये झंडे वाली गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसकी आपने ख्वाहिश की है। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 15 डेज दैट फ्लैग वाज इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द बॉडी ऑफ माय लिपटे हुए। 5 दिन मेरा बेटा बर्फ के नीचे दबा रहा है, रेस्क्यू पार्टी ने जाके उसको निकाला है, उधर से शैलें ऊपर से बर्फें गिरती रही हैं, पहाड़ पूरा बन गया उनकी होती रही मतलब उस बीच। और मेरे साथ हाँ जाहिर सी बात है खत्म नहीं हुआ होगा सब कुछ, बच्चा जख्मी हुआ है कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, लेकिन शहीद हो गए ये कैप्टन साहब का, कैप्टन शहीद का लास्ट लेटर है जो उस वक्त मेरे हाथ में है, उसकी ट्रांसलेशन मेरे पास है, उन्होंने अपने घर वालों के लिए लिख कर ये रखा हुआ था जाने से पहले, भेज भी मैं पढ़ना चाहूँगी, फिर मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद अपने आज के सारे हीरोज़ को आपसे मिलवाऊँगी। कैप्टन साहब ने लिखा था, मेरे प्यारे वालिदैन बहन भाई बराए करम अपने आंसुओं को कंट्रोल करें, आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बेटे ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अम्मी जी मुझे मालूम है कि ऐसी सूरत हाल पर काबू करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरी शहादत के बाद मेरी चंद एक ख्वाहिशात हैं, कोई जुमेरात वगैरह नहीं होगी, अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़े। मैंने यूनिट की कमांडो टीम को 1500 रुपये देने हैं जिसने मेरे साथ छंप में हिस्सा लिया था। गुलबर्ग वाले पेट्रोल पंप पर पंचर वाले को 820 रुपये दिए हैं, मेरी कब्र इस्लामी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए और यूनिट में काबुल 40 बलोच में देना है। मुझे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, मेरे लिए मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली सबसे अच्छी है। अम्मी अबू मैं आपको उनको पता था कि मामला सीरियस है, कुछ भी हो सकता है और समझ लें कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, थोड़ा भी जरा भी वक्त उनको मिला होगा तो लिख दिया होगा कि बच गया तो फाड़ देंगे, मर गया हनी छोटे भाई का जो शहीद हो गया तो मिल जाएगा घर वालों को ये लेटर, बलोच रेजिमेंट में जाना चाहिए। खुदा हाफिज आपका कैप्टन अली मक्सी। अली मक्सी। यहीं पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे अपने आज के सारे हीरोस। अली की माती उन्होंने बताया बहुत सारे किस्से कि उनको बहुत कुछ दिखने लगा था, उनको बहुत कुछ पता था, जबकि जाने से पहले वो इंतज़ाम कर गए थे अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए का कि ये खाने वाने के लिए है, एंड बहुत कुछ वो पहले से ही पूछने लगे थे कि मैं शहीद हो जाऊँ तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें वो घर में करने लगे थे जाने से पहले, फिर जाने के बाद शायद जाने के 15 दिन के बाद वो शहीद हो गए। और वहाँ पर का भी किस्सा उन्होंने बताया जो उन्हें शायद कॉल पर बताया होगा या फिर कुछ टाइम पहले का होगा या फिर कॉल पर बताया होगा अपने घर वालों को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सीन हुआ, मैं बाहर गया तो बहुत से लोग मुझे दिखाई दिए एंड बहुत लोग मुझे उसमें
ऐसे दिखाई दिए जो मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहे थे और अज़ान सुनाई दी उन्हें, तो वो चीज़ें एक इशारा सा बन गया था कि वो जाने वाले हैं या शहीद होने वाले हैं। तो उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ी वहाँ पर, किस्से कहानियों पर जिस पर वो हंसते थे उस पर उन्हें यकीन आने लगा कि हाँ ऐसा कुछ फील हो सकता है, अंदर से एहसास हो सकता है। उन्होंने लेटर पता नहीं क्या सोच कर लिखा होगा, कि शहीद हो गया तो घर पर मिल ही जाएगा ये घर वालों को लेटर, और नहीं हुआ तो शायद मैं फाड़ कर फेंक दूंगा। ज़रा कुछ वक्त मिला होगा बीच में, कभी ना कभी तो वक्त थोड़ा बहुत मिलता है, तो उसमें लिखा करते होंगे। तो वही चीज़ें हैं जो फौजी लोग ऐसे करते हैं। वो बॉडी दबी रही उनकी, शेलिंग हो रही थी वहाँ पर, जो भी थी वहाँ पर सब कुछ चल रहा था, तो सारी चीज़ों के बीच में वो शहीद हुए हैं एंड उनकी बॉडी को बाद में निकाला गया। तो वो ये मंज़र, ये चीज़ें एक्सेप्ट करना, एक तरफ दुख बेटे के जाने का, एक तरफ प्राउड मोमेंट कि वो देश के लिए, वो कंट्री के लिए शहीद हुआ है। कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया या पाकिस्तान का। एक चीज़ जो छोटी सी क्लिप इंडिया की भी दिखाई गई, इंडियन मदर की जिनका बेटा शहीद हो गया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। उन लोग क्या रीज़न रहा होगा उसके पीछे, लेकिन वो इमोशनली बोल रही थी बहुत सी चीज़ें कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है आर्मी में, क्योंकि वहाँ पर बिना ट्रेनिंग हुए भी भेज देते हैं बॉर्डर पर, और चप्पल जूते नहीं होते, नंगे पैर भी भेज देते हैं कभी कभी। तो वो चीज़ें शायद हुई होंगी, लेकिन हमारे एरिया में, अगर मैं अपने एरिया में बताऊं इंडिया में, तो बहुत सारे लोग गांव से तैयारी के लिए लगे रहते हैं एंड वो जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि देश को ज़रूरत है। एंड अगर कोई और चीज़ परस्यू नहीं कर रहा है वो, तो वो तैयारियां करते हैं शुरू से ही कि हाँ मुझे जाना है। गांव के लोग जो होते हैं वो देसी लोग, वो ज़्यादातर तैयारियां करते हैं, वो पास भी ज़्यादा होते हैं सारे टेस्ट में, जो भी होते हैं, फिज़िकल होता है या फिर जो भी होता है। उनका बेटा शहीद हुआ होगा, इमोशंस थे उनके अंदर भी, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है वर्सेस वाला कि पाकिस्तानी मदर एंड इंडियन मदर। तो सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं एंड सबके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है। उनके घर वालों के लिए सल्यूट, उन माओं के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, उन शहीदों के लिए सल्यूट है। बॉर्डर पर लोग बात करते हैं, इधर के फौजी उधर के फौजी, कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, कभी बुराइयां नहीं करते, कभी गाली गलौच नहीं करते, कभी ऐसी चीज़ें नहीं करते जैसे कि आम पब्लिक कर लेती है आपस में। तो वो चीज़ें, वो डिसिप्लिन, वो चीज़ें उनको पता है कि वो अपना घर छोड़ कर आया है, वो माँ छोड़ कर आया है, बाप को छोड़ कर आया है, बीवी कुछ बच्चों को छोड़ कर आया है। तो वो एक उनके अंदर स्प्रिट होती है, उनको पता होता है, उनको समझ होती है कि दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, वहाँ खड़े रहने के लिए उनको कि वो देश के लिए खड़े हुए हैं, वो प्राउड, वो अंदर जो जुनून है, जज्बा है, वो समझते हैं एक दूसरे का। लेकिन पब्लिक नहीं समझती कि वो दुश्मन, ये दुश्मन। यस, कमेंट कर बताइए अपने व्यूज़ इस वीडियो के बारे में, एंड पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइन।